शहरूज़ मियाँ, जज्बात से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी वालदा को एक औरत की शदीद ज़रूरत है। ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अम्मी को ऐसी औरतों के हाल पे छोड़ दें। आपको ना सही, लेकिन मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी बहुत अजीज है। अम्मी को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपने ऑफिस के काम संभालें ना। अम्मी की फिक्र करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। पहले ही अम्मी की सेहत आपकी मसरूफियत की भेंट चढ़ चुकी है। आज तक कौन सा काम छोड़ा आपने अम्मी की खातिर? गलती तो हमारी है जो अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दी हमने। अच्छा, मैं मानता हूँ कि उससे गलती हो गई। अब आपके मानने से क्या होगा बाप साहब? फर्ज करें ये मेडिसिन अम्मी ले लेती तो क्या हो सकता था, इमेजिन कर सकते हैं आप? जाहिर है बहुत बड़ी गलती हुई उससे बेटा। देखो, अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी, सईदा भी और नीमा भी अपना खुद ख्याल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कैसा ख्याल रख रही थी अच्छी तरह से देख सकता हूँ बेटा। देखो, औरों से अच्छा काम कर रही थी। मेरा जाती ख्याल ये है कि एक दफ़ा मौका और देना चाहिए उसे। मजीद कोई मौका नहीं मिलेगा उसे बाप साहब। डैड ठीक कह रहे हैं बेटा, गलती तो आखिर उनकी भी है ना, जिन्होंने ऐसी एक्सपायर्ड दवाएं बेची हैं, उन्हें भी देख के बेचनी चाहिए थी। मैं उसका वजूद में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जिस तरह पानी के लिए उसको बुला रही थी या फिर वो मेडिसिन, उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए उसको मैंने सस्ते में छोड़ दिया। ये दो मामे तीसरी नर्स है जिनको निकाल रहे हैं, अब बताइए कहाँ से लेके आऊँ इतनी नर्सेस? मैं ढूंढ लूंगा, फिक्र ना करें। अच्छा तो ढूंढ लेना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। तो जब तक इंतजाम नहीं होता दूसरी नर्स का, कौन रखेगा ख्याल तुम्हारी वालदा? मैं हूँ ना, बस काफी। देखिए शहरूज मियाँ, जज्बात से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी वालदा को एक औरत की शदीद ज़रूरत है। ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अम्मी को ऐसी औरतों के हाल पे छोड़ दें। आपको ना सही, लेकिन मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी बहुत अजीज है। अटेंडेंट ऐसी ही होती बेटा, आसमान से तो नहीं उतरेगी तुम्हारी माँ की खिदमत करने के लिए। कोई ना कोई तो होगी ना जिसको अपनी सैलरी हलाल करना आती होगी। नीमा, ऑफिस की टेंशन कम है क्या? ये अब मैं नर्सों को ढूंढता फिरूं? आप ही समझाइए ना इन्हें। अम्मी को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपने ऑफिस के काम संभालें ना। अम्मी की फिक्र करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। पहले ही अम्मी की सेहत आपकी मसरूफियत की भेंट चढ़ चुकी है। आज तक कौन सा काम छोड़ा आपने अम्मी की खातिर? और कोई इल्ज़ाम लगाना है वो भी लगा दीजिए। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ बाप साहब। वैसे आपको एहसास नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, कोई एहसास नहीं है। आप जाएं वहाँ, प्लीज गो एंड रिलैक्स, मैं समझाती हूँ इन्हें। समझने समझाने की स्टेज से बहुत आगे निकल गए हैं, इंतहाई बदतमीज है। मुझे कहती हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।